नमस्कार बच्चों, मैं राजेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय अटल। बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष का पेपर फर्स्ट, मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है, बलबन की रक्त व लौह की नीति। बलबन ने रक्त व लौह की नीति का अनुसरण किया। क्या जरूरत पड़ी जो इस नीति का उसने अनुसरण किया? बलबन ने सत्तारूढ़ होते ही अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। उस समय की जो परिस्थितियां थी उनको देखते हुए उसे लगा कि आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मुझे कठोर कदम उठाने चाहिए, और उसने इस बल रक्त और लौह की नीति के तहत उसने कुछ कदम उठाए। वो जो कदम उठाए, जो उपाय किए, वो निम्नानुसार है। इसमें पहला जो कदम उठाया उसने, मेवातियों का दमन। सबसे पहले बलबन ने मेवातियों का दमन किया। मेवातियों के दमन के तहत बलबन दिल्ली के समीप के जो प्रदेश थे, मेवातियों की जो राजधानी थी दिल्ली, उसके समीप के प्रदेशों में लूटपाट द्वारा मेवातियों ने आतंक फैला रखा था। बलबन की जो राजधानी थी दिल्ली, उसके आसपास ये जाती रहती थी मेवात क्षेत्र में। बलबन ने कठोरतापूर्वक इनका दमन किया। हजारों मेवाती मार गिराए, जो बचे वो जान बचाकर भाग गए। बलबन ने इस समस्या के समाधान के लिए राजधानी के आसपास के जंगलों को कटा करके साफ कर दिया और वहां सैनिक चौकियां स्थापित की। जो दूसरा कदम उठाया, दोआब के विद्रोहियों का दमन करना। उसने दोआब के विद्रोहियों का दमन किया। दोआब के हिंदू विद्रोह भी दिल्ली सल्तनत के लिए चुनौती बने हुए थे। कंपिल, पटियाली, भोजपुरी आदि विद्रोहियों के प्रमुख केंद्र थे। बलबन ने दोआब के विद्रोहियों का भी कठोरतापूर्वक दमन किया। हजारों विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जो तीसरा कदम उठाया उसने, कटेहर के विद्रोहियों का दमन करना। जैसे दोआब के विद्रोहियों का दमन किया, वैसे ही कटेहर के विद्रोहियों का भी उसने दमन कर दिया। शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए कटेहर प्रांत में जो विद्रोह खड़ा हुआ था उसका दमन जरूरी था, और इस विद्रोह का उसने सफलतापूर्वक दमन कर दिया। विद्रोहियों की बस्ती में आग लगा दी, स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया, और 9 वर्ष से ऊपर के जो पुरुष थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अगला जो कदम उठाया, तुगरिल के विद्रोह का दमन। बलबन ने 1279 में बंगाल के शासक तुगरिल ने जो विद्रोह किया था, उस विद्रोह का दमन करने के लिए अमीन खां को भेजा, परंतु अमीन खां को सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके पश्चात उसने तिरिमती खां को भेजा और शिहाबुद्दीन दोनों को भेजा, उन्हें भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। अंत में स्वयं बलबन तुगरिल के विद्रोह का दमन करने के लिए गया और उसने इस विद्रोह का दमन सफलतापूर्वक कर लिया। अगला जो कदम उठाया उसने, 40 अमीरों के दल का दमन किया। जिस 40 अमीरों के दल, जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता था, जिसका इल्तुतमिश ने गठन किया था, इस 40 अमीरों के दल ने सिर उठाना शुरू कर दिया था, अपनी मनमानी करने लग गए थे। बलबन ने सफलतापूर्वक इस 40 अमीरों के दल का दमन कर दिया। अगला जो कदम उठाया, ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि। बलबन ने सबसे पहले जो अमीर सरदार थे उन पर कठोर नियंत्रण रखते हुए ताज की प्रतिष्ठा को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, और
इसके तहत उसने निम्न कार्य किए। सुल्तान पद को सर्वोच्च बनाने के लिए उसने सुल्तान के देवी अधिकार को मान्यता प्रदान की। वह सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। इस प्रकार सुल्तान के पद को गौरवपूर्ण बना दिया। दूसरा, ताज की प्रतिष्ठा के लिए जो कार्य किया, सुल्तान ने ईरानी पद्धति पर अपना दरबार लगाना चालू कर दिया, एक विशेष वेशभूषा निश्चित कर दी और स्वयं ईरानी वस्त्रों की वेशभूषा पहन करके दरबार में उपस्थित होने लगा। ताज की प्रतिष्ठा के लिए उसने सिजदा और पेबोस के नियम, दो ईरानी प्रथाएं थी सिजदा और पेबोस, उनको चालू किया। अगला जो उसने कदम उठाया, केंद्रीय शासन को उसने सुदृढ़ किया। बलबन